हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज बैंक निफ्टी फिर से अंडर परफॉर्म स्टार्ट कर दिए है, लगभग 550-600 पॉइंट नीचे बंद हुआ है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी सिर्फ फ्लैट नेगेटिव बंद हुआ है 30 पॉइंट के साथ, ये लगभग 570 पॉइंट नीचे 1.5% प्लस लॉस के साथ हमने बैंक निफ्टी को बंद हुए देखा। और यहाँ अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक अच्छा खासा रिवर्सल साइन दे चुका है बैंक निफ्टी। तो यहाँ जो है तो आने वाला समय बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही खराब हो सकता है, इसका पहला सिग्नल जो है तो आज बैंक निफ्टी ने दे दिया। यहाँ हमने क्लोजिंग देखी है 35,641 पे, और यहाँ हमने बराबर जो 20 वीक का जो एवरेज था वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में हम जो है तो फ्रेश लो बना सकते हैं। हमने लास्ट लो बनाया था 32,300 के अराउंड, 200-300 के अराउंड। तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि S1 या फिर जो 200 वीक का जो एवरेज है लगभग 30,200 के अराउंड जो है, तो वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो बहुत ही वीक लग रहा है बैंक निफ्टी ऑन मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। जब तक हम 36,700 का लेवल क्रॉस नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी जो है तो ऊपर के लेवल जो है तो दिखा पाएगा। तो ऊपर जो है तो अच्छे खासे सप्लाई जोन है, और आज जो है तो उसका हमने ऑलरेडी जो ट्रेलर है वो देख चुके हैं। अभी यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने कोशिश की थी ऊपर जाने की कल भी, मगर ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई मार्केट में आ रहा है। और आज भी जो है तो अच्छा खासा यहाँ सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। हम गैप डाउन ओपन हुए थे, वहाँ से रिकवरी दी, वो रिकवरी फिर से जो है तो सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गई, और फिर से हम जो है तो डेज लो को जाकर क्लोज हुए। और यहाँ जो है तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे अभी हेड कर रहा है लगभग 34,550 के लेवल की तरफ। तो करंट लेवल से आपको 1,000 से 1,100 पॉइंट का लोअर लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा जो टारगेट जोन रहेगा अभी जो वीकनेस है इसके लिए 34,550 का टारगेट आप पकड़ के चलिए। यहाँ जो है तो आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए एज पर डेली चार्ट। आपको सेल करना है 35,700 के अराउंड। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 36,200 के ऊपर रहेगा, और टारगेट रहेगा 34,550 का। तो ये जो टारगेट है ये शायद आने वाले 1 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो यह हमारा सेल ऑन राइज भी हो रहेगा, और ऊपर के लेवल पे हम मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और यहाँ जो है तो फ्रेश सेल सिग्नल आ चुका है। तो कल का दिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही खराब रहने वाला है शायद, और हम जो है तो हो सकता है कि कल के ही दिन 34,550 का लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे हमने कोशिश की थी ऊपर जाने की, मगर जो ऊपर जब भी आता है आप आज भी देख सकते हो कि हमने नीचे ओपनिंग दी, उसके बाद में रिकवरी देने की कोशिश की, वो रिकवरी भी जो है तो सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ जो है तो अच्छा खासा सेल ऑफ हमें फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो यहाँ सेल ऑन राइज भी रहेगा मेरा। आपको जो है तो एज पर आवरली चार्ट अगर सेल करना है बैंक निफ्टी तो आपको जाना है सेल अराउंड 35,900 to 36,000 के अराउंड। तो करंट लेवल से लगभग 300-400 पॉइंट ऊपर बाउंस बैक मिलता है तो उस लेवल पे आप शॉर्ट जा सकते हो। नीचे जो टारगेट बनेंगे बैंक निफ्टी के लिए, पहला टारगेट रहेगा 35,200 का, और उसके बाद में 34,600 के जो टारगेट है ये एज पर आवरली चार्ट हमें दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ हम 36,000 के नज़दीक जितना हमें सेल करते आएगा बैंक निफ्टी उतने करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 36,200 का। तो यहाँ जो है तो 900 या फिर 36,000 के अराउंड जो है तो सेल करने का है आपको, 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। नीचे जो है तो पहला टारगेट रहेगा लगभग 600-700 पॉइंट नीचे, दूसरा जो टारगेट रहेगा लगभग वो रहेगा लगभग 1100-1200 पॉइंट नीचे आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी पे सेल ऑन राइज भी रहेगा एज पर आवरली चार्ट, और मुझे लगता है कि 35,200 और उसके बाद में 34,600 के टारगेट शायद कल के ही दिन हमें देखने को मिले। अगर बहुत ही बड़ा सेल ऑफ आता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी लगभग 34,000 की भी लेवल हमें दिखाई दे। तो कंजर्वेटिवली हम पकड़ के चलते हैं 34,600 to 500 के जो हमने डेली चार्ट पे देखे हैं, तो वो टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। ये कल के लिए भी ये टारगेट जो है तो थोड़ा सा पोजिशनल भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है तो हो सकता है कि मार्केट जो है तो अभी बहुत ही पुल, यहाँ जब भी सेलिंग आएगी ये बहुत ही सोची समझी सेलिंग रहेगी या फिर बाइंग रहेगी। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, उसके बाद में फिर
जो उसकी रियल डायरेक्शन है वो पकड़ता है, तो इसीलिए आप जो है तो उसको टाइम पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ आपको मोस्टली पोजिशनली व्यू रखना पड़ेगा, जो भी पोजिशन लेंगे वो मोस्टली पोजिशनली रखनी होगी, तो उस हिसाब से आपको पोजिशन साइजिंग या फिर पोजिशन लेनी है फ्यूचर में, ऑप्शन में। ऑप्शन फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहाँ टाइम डिके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऑप्शन में वो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ ऑप्शन ट्रेडर के लिए सलाह रहेगी कि 36,000 का जो पुट ऑप्शन इन द मनी उस पर हम फोकस करेंगे, उसको डिप्स पे बाय करेंगे, उसमें हमें शायद 2x+ गेन देखने को मिल सकते हैं अगर हम 34,550 का लेवल टेस्ट करते हैं, तो उस ऑप्शन में हमें अच्छे खासे गेंस देखने को मिल जाएंगे। तो हम 36,000 का जो पुट ऑप्शन है इन द मनी उस पर फोकस करेंगे। और यहाँ मेरा बैंक निफ्टी पे आवरली, डेली और वीकली, वीकली पे तो बहुत ही वीक दिख रहा है, तो यहाँ जो है तो इन्वेस्टर के लिए ये रेड फ्लैग है। अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे नीचे के लेवल मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। तो यहाँ जो है तो इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग है और ट्रेडर के लिए ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो फिर विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो आप जो है तो प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।